हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 ऑफ स्नैपशॉट मदर्स डे. इट इज़ रिटन बाय जेबी प्रेस्ले. इट इज़ रिटन बाय जेबी प्रेस्ले. किसके द्वारा लिखा गया है ये? जेबी प्रेस्ले के द्वारा लिखा गया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस प्ले रिटन बाय जेबी प्रेस्ले रिवील्स हाउ अ मदर एफर्ट्स आर इग्नोर्ड बाय हर फैमिली. इस प्ले के माध्यम से, इस प्ले के थ्रू जेबी प्रेस्ले हमें बताता है कि किस तरीके से मदर के जो एफर्ट्स हैं वह इग्नोर कर दिए जाते हैं उसके फैमिली के द्वारा. इट नरेट्स हाउ द फैमिली मेम्बर्स हु वर्क 8 hours शिफ्ट्स अ डे लुक अपॉन हर ऑल्दो शी वर्क्स फॉर द होल डे. She works for the whole day and all week. वह जो family members 8 hours लगातार काम करते एक shift के अंदर, और next इसी की उन्हीं की mother घर पर, जो अपनी mother वह पूरे 24 hours अपने लिए काम करती है. तो इस play के माध्यम से अगर ये बताया जाता है कि हम 8 hours घर पर काम करके आते हैं, तो वह ये show करना चाहता है writer कि फिर भी इसके बाद में हम अपनी mother को कहते हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो. आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम. आखिर वह पूरे दिन भर में काम करे तो किसके लिए कर रही है? अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए तो कर रही है. दे टेक हर फॉर ए ग्रांटेड. दे मेक हर फील ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर देम एंड डू नॉट इवन अप्रिशिएट हर एफर्ट्स. यहाँ पर वह मदर पूरा टाइम काम करती रहती है, ठीक है, और यहाँ पर इस प्ले के माध्यम से इसके कैरेक्टर्स हमें ये बताते हैं कि वह अपनी मदर को अप्रिशिएट भी नहीं करते. इट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ हर फ्रेंड मिसेस फिट्ज़गेराल्ड हु इज़ अ फॉर्च्यून टेलर हेल्प्स हर अर्न द प्लेस एंड रेस्पेक्ट शी डिजर्व्ड एज द वुमन ऑफ द हाउस. किस तरीके से उसकी जो फ्रेंड है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, जो आगे भविष्य बताती है, उसने इस मिसेस पियर्सन, जो इसमें मेन कैरेक्टर है या उस मेन जो मदर बनी हुई है, उस पियर्सन के बारे में कहती है कि आपको अपने आप को बोल्ड करना पड़ेगा. इसी तरीके से अपना किस प्रकार से रेस्पेक्ट वह गेन करती है. क्लियर? नेक्स्ट. और इसी तरीके से आपका ये प्ले स्टार्ट होता है इसी से. इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. मिसेस पियर्सन है, इसके बाद में मिसेस पियर्सन जिसके फैमिली मेम्बर्स उसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं करती हो या हमारे लिए ये करो, हमारे लिए उस तरीके से करो. फैमिली मिसेस पियर्सन की फैमिली में उसकी डॉटर है, उसका सन है, उसका हस्बैंड है. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो उसकी पड़ोसी है, वह एक बोल्ड टाइप की लेडी है जो हमेशा से क्या करती है, अपने जो काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए वह बोलती रहती है. तो इस तरीके से उसकी कहानी इस तरीके से चारों तरफ घूमती रहती है. नाउ समरी ऑफ द चैप्टर. इस वीडियो में अपन समरी डिस्कस करते हैं. द प्ले बिगिंस विद टू फ्रेंड्स हैविंग ए कैंडिड कन्वर्सेशन. द प्ले बिगिंस विद टू फ्रेंड्स हैविंग ए कैंडिड कन्वर्सेशन एट मिसेस पियर्सन्स हाउस. दो फ्रेंड्स हैं, अब बैठे हुए वहाँ पर अपना कंटिन्यूस कन्वर्सेशन कर रहे हैं. मिसेस पियर्सन के घर पर हैं ये दोनों. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इज़ टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही है, उसका भविष्य बता रही है. एंड एडवाइसेज हर ऑन इट. और इसके ऊपर वह क्या करती है? एडवाइस करती है. मिसेस पियर्सन गोज अबाउट टेलिंग हर हर फैमिली मेम्बर्स डू नॉट वैल्यू हर एंड डू नॉट अप्रिशिएट वाट एवर शी डज फॉर देम. यहाँ पर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ये बताती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, ना उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी कोई ध्यान रखते हैं. शी इज़ अवेलेबल फॉर देम 24/7, यानी कि 24 hours सातों दिन वो है उसकी फैमिली के साथ में रहती है. एंड ऑल दे डू इज़ कम इन थ्रो ऑर्डर्स. वह केवल और केवल जब वो आते हैं तो केवल ऑर्डर थ्रो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं कि मामा हमारे लिए ये लेकर आओ, मामा हमारे लिए ये लेकर आओ. अराउंड एट एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू. और वह उन्हें बिना थैंक यू किए हुए वह
उनको कोई थैंक यू नहीं कहता उस मिसिस पियर्सन को, उसके फैमिली मेम्बर्स, और इस तरीके से वह उसकी कोई रेस्पेक्ट भी नहीं है। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड टेल्स हर टू टेक हर स्टैंड एज द वुमन ऑफ द हाउस, बट मिसिस पियर्सन बींग अ स्वीट एंड इनोसेंट लेडी डजेंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर फैमिली एंड एनी सॉर्ट ऑफ डिसकम्फर्ट। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड उसे कहती है बार बार, मिसिस पियर्सन को, एज ए वुमेन आपको अपने घर के अंदर क्या करना है, अपने अपनी प्रेजेंस को शो करना है, अपना रेस्पेक्ट आपको खुद को लाना होगा। एंड मिसिस पियर्सन देखो स्वीट है, इनोसेंट लेडी है, वह नहीं चाहती कि इसके फैमिली किसी डिस्कम्फर्ट में हो। आज हमारे भी घर पे अगर हमारी मम्मा है तो वह यही कहेगी कि हमारे को जितना भी हो सकता है अपनी आपकी जो मम्मा है वह अपने ऊपर परेशानियाँ ले लेगी, लेकिन फैमिली मेम्बर्स में कभी परेशानी नहीं लाने देगी। शी कंटिन्यूज टू हैंडल देयर टेंट्रम्स बिकॉज शी डजंट नो वेयर टू बिगिन वैन इट कम्स ऑफ टू मेकिंग दैम डिसिप्लिनड। यहाँ पर वह मिसिस फिट्ज़गेराल्ड और ये भी कहती है कि वह उसे नहीं पता है कि अपने जो वातावरण बना हुआ उसको हैंडल करती रहे, वह खुद ही इसमें परेशान होती रहेगी, लेकिन वह अपने फैमिली मेम्बर्स को परेशान में नहीं डाल सकती। क्लियर। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड परपजेस टू अ प्लान टू स्विच देयर बॉडीज सो दैट मिसिस फिट्ज़गेराल्ड टेक्स हर प्लेस। अब यहाँ पर वो एक प्लान शो करती है, अपनी बॉडी में से अपनी आत्मा उसकी पियर्सन की बॉडी के अंदर डालेगी, पियर्सन की आत्मा इसमें डाल देगी एक मैजिकल प्लेट की तरह से, ठीक है ना। सो दैट मिसेस फिट्ज़गेराल्ड टेक्स हर प्लेस विदाउट हर फैमिली नोइंग, बिना फैमिली को पता चले इस तरीके से वो चेंज कर लेगी। मिसिस पियर्सन इज हेजिटेंट एट फर्स्ट बट देन मिसिस फिट्ज़गेराल्ड कन्विंस हर फॉर इट। पहले तो मिसिस पियर्सन बिल्कुल हेजिटेट हो जाती, हिचकिचा जाती है, लेकिन बाद में मिसिस फिट्ज़गेराल्ड कन्विंस कर देती है उसको और वह मान जाती है। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड रिफॉर्म्स हर मैजिक दैट शी वुड लर्नड फ्रॉम द ईस्ट एंड देयर पर्सनैलिटीज आर चेंज्ड। उसने पहले कहीं ईस्ट से मैजिक सीख के ही वो कुछ मैजिकल रिचुअल्स करती है और इस तरीके से उनकी आत्माएँ चेंज हो जाती है और इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। Now Mrs. Fitzgerald is actually in Mrs. Pearson's body. Mrs. Fitzgerald है वह एक्चुअल में मिसिस पियर्सन की बॉडी के अंदर है और इसी तरीके से जो एक्चुअली मिसिस पियर्सन है वह मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में, मतलब दोनों की आत्माएँ चेंज हो चुकी है। Now न्यू मिसिस पियर्सन tells Mrs. Fitzgerald to go to their house for the time being. कि भी समय हो चुका है, तुम एक काम करो अब मेरे घर चले जाओ। क्लियर। न्यू मिसिस पियर्सन जो एक्चुअल में उसके उस पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की आत्मा है और मिसिस फिट्ज़गेराल्ड के अंदर मिसिस पियर्सन की आत्मा है, तो वह नई पियर्सन नई मिसिस फिट्ज़गेराल्ड को कहती है तुम घर चले जाओ। एट दिस टाइम इन द प्ले, इसी समय डॉरिस पियर्सन जो कौन है मिसिस पियर्सन की डॉटर है वहाँ पर एंटर होती है सीन के अंदर, आस्किंग फॉर टी, चाय के लिए ऑर्डर करती है कि मुझे चाय लेकर आओ, अभी तक चाय नहीं बनी क्या। मिसिस पियर्सन टू आयरन हर येलो सिल्क, उसकी येलो सिल्क ड्रेस पर वो आयरन करे। शी गेट शॉक्ड एट द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग एंड फ्रॉम देयर द आर्ग्यूमेंट बींग्स वेयर मिसिस पियर्सन इंसल्ट चार्ली स्पेंस द गाय शी इज अबाउट टू गो आउट विद। यहाँ पर हम बात करें मिसिस जो पियर्सन है वह पहले तो उसकी जो डॉटर से कहती है कि मैं येलो ड्रेस तैयार कर दो, मुझे किसके साथ जाना है, चार्लिस स्पेंस के साथ में जाना जो इसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ में जाना है, उसके फ्रेंड के साथ में जाना है। तो ये मिसिस पियर्सन उसकी इंसल्ट करती है, तो एकदम चंपू सा है इस तरीके से गाय से, इस पर बड़ा गुस्सा आता है कि आज ये मेरी मदर इतना आर्ग्यू कैसे कर रही है। डोरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल हर ब्रदर एंटर आस्किंग फॉर टी और समथिंग टू ईट। उसी समय उसका ब्रदर डोरिस का ब्रदर वहाँ आ जाता है, ठीक है ना, उसका नाम क्या, सिरिल। वह वहाँ पर आकर उस चाय के लिए और समथिंग खाने के लिए पूछता है। ही टू, उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है, इज अमेज्ड हैविंग कम होम टू सी देयर इज़ नथिंग टू ईट एंड
नथिंग टू ईट एंड नो टी टू ड्रिंक, ना तो कुछ खाने को था ना कुछ पीने को था। तो उसकी मदर ने कहा खुद ही बना लो ना, मुझे क्या कह रहे हो। अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलती कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मिसिस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर, उसने कहा आज से पहले मुझे कभी बेटर फील नहीं हुआ। सिरिल गेट्स एनॉयड, एंड इस बात पर सिरिल थोड़ा परेशान हो जाता है। डॉरिस जॉइन हिम वेयर दे आर टोल्ड दैट मिसिस पियर्सन माइट हैव टेक अ वीकेंड ऑफ। यहाँ पर मिसिस पियर्सन कहती है कि जब तुम इतना काम करते हो संडे को तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मुझे भी अब आज छुट्टी चाहिए। उसी समय नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन। जॉर्ज कौन है, तो इसका हस्बैंड है। वह भी शॉक हो जाता है ये देखकर कि आज उसकी वाइफ को क्या हो गया। हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग, वह दिन में पी रही है आज, क्या बात हो गई। क्लियर, आगे बढ़े। ही अनाउंसेस दैट ही हैज सम स्पेशल मैच एट द क्लब, उसने अनाउंस किया कि क्लब में जाना है और मुझे वहाँ मैच खेलना है। एंड ही वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी टी दिस आफ्टरनून, मुझे इस आफ्टरनून में चाय वाय की जरूरत नहीं है। ऑन बींग टोल्ड देयर इज नो टी, उसे बताया गया कि यहाँ पर कोई चाय वगैरह नहीं है। एंड मिसिस पियर्सन मॉक्स, यहाँ पर वो मजाक बनाती है। खैर, ऑन बींग टोल्ड देयर इज नो टी, यहाँ पर कोई चाय वगैरह नहीं है, ही गेट्स एनॉयड, वो परेशान हो जाता है। मिसिस पियर्सन मॉक्स, यहाँ पर मजाक बना देता है, मिसिस पियर्सन उसका मजाक बनाती है। नेम फॉर गेटिंग एनॉयड एंड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिड नॉट ही डिडंट एक्चुअली वॉन्ट, कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार मिसिस पियर्सन हंस जाती है। शी टेल्स हिम अबाउट द नेम्स दे कॉल हिम एट द क्लब, वह उसे कहती है कि तुम्हें क्लब में क्या पुकारा जाता है जरा ये बताना मुझे। उसे उसके क्लब में उसके नाम से कुछ उपनाम दिए हुए, कुछ सब नेम दिए हुए जिसकी वजह से उसको चिढ़ाया जाता है। शी फर्दर टॉन्ट्स हिम दैट दिस वर्ल्ड नॉट हैव हैपन हैड द स्टेट एट होम वंस अ वाइल, कि संसार के अंदर अगर तुम यहाँ रुक गए ना तो तुम्हारा कोई संसार भागा नहीं जा रहा है। जॉर्ज गेट्स एनॉयड, आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षण बाद में मिसिस फिट्ज़गेराल्ड एंटर्स, वहाँ पर मिसिस फिट्ज़गेराल्ड आ जाती है। शी इंटरफेयर्स देयर फैमिली मैटर्स, उसके फैमिली मेम्बर ने वो उसके मैटर में वो थोड़ा इंटरफेयर कर दिए। जॉर्ज गेट्स एनॉयड, पर परेशान हो जाता है जॉर्ज। क्या होता है जब ये बातचीत चल रही होती है कि चाय नहीं है, देखो तुम्हें क्लब में क्या पुलाते हैं, क्या चिढ़ा कर करते हैं, जॉर्ज को कह रहा था। वो कहती है इससे पहले उसके दोनों बच्चे ऐसे परेशान हो जाए, मतलब उसको गुस्सा आया था कि आज मदर को क्या हो गया। इस समय जो एक्चुअल में पियर्सन की जो आत्मा मिसिस फिट्ज़गेराल्ड के अंदर है वह वहाँ आती है और वह परेशान हो जाती है कि जब मिसिस फिट्ज़गेराल्ड उसे नाम से बुलाती है। बट जस्ट लाइक इट हैड हैपन्ड ऑल डे, ये पूरे दिन हुआ। मिसिस पियर्सन बाग्स इन टू ब्रिंग जॉर्ज ऑन ट्रैक, उस पर इस तरीके से बातचीत चलती रही। एंड डॉरिस एंटर्स द सीन एंड शी टू, और वह भी आती। एट दिस पॉइंट, इसी समय मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो एक्चुअली पियर्सन है लॉसेज हर कूल, वह थोड़ी गुस्से में हो जाती है। आस्क हर फैमिली मेम्बर्स टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट, क्या तुम दो क्षण के लिए रुक चले जाओ और हमारे दोनों फ्रेंड्स को बात करने दो। शी सरप्राइजेज देम दैट शी नोज हाउ टू मेक द सिचुएशन बेटर, उसे पता था, वह आश्चर्य करती है, उसे पता था कि उसने प्रॉमिस करती है कि मैं सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आस्क्स मिसेस पियर्सन टू स्विच देयर बॉडीज एंड वाइल मिसेस फिट्ज़गेराल्ड रेसिस्ट एट फर्स्ट बट लेटर शी एग्रीज टू इट, यहाँ पर वह कहती है कि हमारी आत्मा आप बस चेंज कर दीजिए। पहले तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है रुको हमें थोड़ा और देखना चाहिए, लेकिन बाद में वह एग्री हो जाती है। दे रिपीट द प्रोसेस, वह वापस उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। दे डिड इट इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ही प्लेस पर चला जाता, मतलब अपनी अपनी आत्मा सेम हो जाती है। द रियल मिसिस फिट्ज़गेराल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसिस पियर्सन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल टू एस्टेब्लिश हर कंट्रोल एंड रेस्पेक्ट, उसने बताया मिसिस फिट्ज़गेराल्ड ने बताया मिसिस पियर्सन को कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस कितनी है, तुम्हें कितना डोमिनेट होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को रेस्पेक्ट दिलाने के लिए। द फैमिली एंटर्स एंड मिसिस पियर्सन सजेस्ट दैट दे प्ले रमी, यहाँ पर मिसिस पियर्सन की फैमिली आती है
उसके हस्बैंड भी आता है, उससे वह कहती है कि चलो हम रमी खेलते हैं खाना खाने के बाद। एवरी वन इंस्टेंटली एग्री, सभी जने एक ही बार में तैयार हो जाते हैं। एंड दे आर अ बिट रिवील्ड टू, वो थोड़े से रिवील्ड भी होते हैं, क्रांतिकारी टाइप का। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड एग्जिट्स, वहाँ से मिसेस फिट्ज़गेराल्ड चली जाती है। एंड द प्ले एंड्स, इस तरीके से प्ले एंड हो जाता है। और इस तरीके से हम बात करते हैं, पूरा का पूरा प्ले एंड हो जाता है। अगर इस प्ले की और बात करें कि किस तरीके से एक महिला ने दूसरी महिला की प्रॉब्लम को सोल्व किया, और ये भी बताया है कि हमें अपनी फैमिली में अपनी मदर को कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए, समझ में आया। और फैमिली मेंबर्स को अपनी मदर का हमेशा देखभाल करना चाहिए। क्लियर हो गई, आगे बढ़े थोड़ा सा। अगर हम इस प्ले को अपनी लाइफ में डाल दें, हमारी लाइफ के अंदर बता दें, तो किस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है, किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब हम इसकी थीम की बात करें, तो थीम आप सुने बेटा, इस थीम के अंदर क्या है। आई विल प्रोवाइड यू द थीम इन द PDF फाइल, आई हैव नोट रिटन इन दिस वीडियो दैट अबाउट द थीम। द प्ले मदर्स डे इज़ बेस्ड ऑन अ अन यूनिवर्सल थीम ऑफ नेगलेक्ट द मोस्ट हाउसवाइव्स फेस्ड एट द हैंड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ये जो प्ले है इसके अंदर यूनिवर्सली बताई गई एक चीज़ बताया गया, फोकस किया किसके ऊपर, किस प्रकार से हम हमारी फैमिली मेम्बर्स में हम क्या करते हैं, हमारी जो हमारी मदर है हाउस वाइफ को नेगलेक्ट कर दिया जाता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नो बडी पेज अटेंशन टू देयर लाइक्स और डिसलाइक। कोई भी उसकी लाइक और डिसलाइक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार समय में दे रिमेन म्यूट एंड बियर ऑल द इंसल्ट विदाउट एनी ग्रूड्स। बिना किसी प्रोटेस्ट के ये जो जो हाउस वाइफ होती है वह हमेशा अपनी इंसल्ट सुनती रहती है, वह हमेशा से बेयर सहन करती रहती है और हमेशा से एक जैसी रहती है, म्यूट रहती है। द ऑथर राइजेज देयर वॉइस, यहाँ जो ऑथर है उनकी वॉइस को बढ़ावा देता है। एंड थ्रू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन पर्सन एंड डिमांड्स फॉर द सेंसिबल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स देम। यहाँ पर मिसिस पियर्सन जो पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है और ये कहती है कि किस प्रकार से उसके साथ में डोमिनेशन हुआ, किस प्रकार से उसको दबाया गया, फिर वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करती है। व्हाइल रीडिंग द प्ले, जब हम प्ले पढ़ते हैं, वी फील दैट एन पियर्सन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी होम। किस प्रकार की महिला, मिसेस पियर्सन जैसी महिला हमारे हर घर में मिल जाएगी। एंड शी क्वाइटली कीप्स ऑन नर्चरिंग हर फैमिली विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और अपनी फैमिली को इस प्रकार की महिलाएं मिल जाएगी जो अपनी फैमिली को हमेशा सार संभाल कर रही है बिना किसी डिमांड के। इट इज़ हाई टाइम दैट ऑल हस्बैंड सन एंड डॉटर्स पे नीड टू दैम एंड स्टॉप ट्रीटिंग दैम एज देयर स्लेव्स। ये बिल्कुल सही समय है कि हमें हमारा जो फैमिली मेम्बर्स है, हस्बैंड हो गया, डॉटर हो गया, सन हो गया, उसे अपनी मदर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लो वो कोई एक बेयर क्रिएचर है या कोई स्लेव या कोई गुलाम है। क्लियर, ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ये आपका वीडियो फिनिश हुआ। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर मदर्स डे। गुड डे एंड गुड बाय।